भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशें रंग ले आई। मोदी सरकार ने गैर कानूनी तौर पर कैद दो पाकिस्तानी बच्चों को रिहा कर दिया। बाबर और अली रजा गुज़श्ता साल गलती से सरहद पार कर गए थे। साजिशें होती रही हैं, होती रहेंगी, तरक्की का सफर नहीं रुकेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का कारकुनों से खिताब, वज़रा और अरकान असम्बली को आवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। सिंध का 1040 अरब का बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा, 46,000 नई मुलाजमतों के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। सिंध हुकूमत का 120 गज के मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का फैसला, विफाक बिजली की पैदावार से मुतालिक गलत बयानी ना करे, मुराद अली शाह की बजट तकरीर। मुतनाज़े तकरीर पर जवाब देने के लिए निहाल हाशमी को 16 जून तक की मोहलत, संजीदा मामले को हल्का ना लें, मौकफ बताने का मौका मिलेगा, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, एक कुव्वत इदारों के दरमियान टकराव चाहती है, तकरीर को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने अदालत पर हमला किया, निहाल हाशमी ने कप्तान को दरमियान में घसीट लिया। पैनमा के बाद पिक्चर लीक, जेआईटी ने हुसैन नवाज की तस्वीर के मामले पर पूछगछ का आगाज कर दिया, जुडिशल अकेडमी और टीम से मुंसलिक अफराद से तफ्तीश। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना बड़ा सवालिया निशान, अमीर मकाम भी परेशान, पिक्चर शरीफ खानदान की तस्दीक के लिए जारी की गई, साद रफीक का रद्द अमल। और खलीजी ममालिक में खलीज कतर पर दहशत गर्दों की मदद का इल्जाम, सऊदीया यूएई मिस्र और बहरीन के बाद यमन, लीबिया और मालदीप ने भी सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लिए।